उत्तराखंड में एक वीडियो ने मचा दिया बवाल। एक लड़की का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। वीडियो में हिंदुओं के लिए उल्टा सीधा बोल रही है लड़की। वीडियो देखकर गुस्साए हिंदू संगठन थाने पहुंचे, सख्त एक्शन की मांग। सोशल मीडिया आज के जमाने में बेहद जरूरी चीज बन चुका है। ये जनता के हाथ में एक बड़े कारगर हथियार के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि अब सोशल मीडिया के जरिए ही कोई भी कहीं भी बैठकर अपनी बात कह सकता है, अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकता है। लेकिन कई मामलों में यही सोशल मीडिया गलत हाथों में पहुंचकर विनाश भी कर सकता है, जैसा इन दिनों उत्तराखंड में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की उत्तराखंड के नैनीताल में एक युवती सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म और उसके मानने वालों के लिए उल्टी सीधे बातें कर रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा है और वो ये मांग कर रहे हैं कि इस लड़की के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या है पूरा मामला और वीडियो में क्या है जो इतना वायरल हो रहा है, दिखाएंगे आपको सब। बस आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। दरअसल जब आप इस वीडियो को खुद देखेंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा, क्योंकि वीडियो में कई ऐसी बातें कही गई हैं जिसे सुनकर किसी को भी खराब लग सकता है। जैसे लड़की अपने वीडियो में कहने लगी कि हिंदू धर्म के नाम पर भगवा आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैंने पता किया किसी से, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो जय श्री राम वाला झंडा लगा हुआ है ये सिर्फ 2-3 महीने पहले लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका पहले नहीं लगा हुआ था, इसका कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे लगने का। और अगर आप देखें वहाँ पे लिखा हुआ है नैना देवी माता का रास्ता, तो यहाँ पे मस्जिद भी है, वो मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है और माँ नैना देवी भी है। तो सिर्फ एक पर्टिकुलर को वहां पे दिखाना कि माँ नैना देवी का रास्ता, उसके नीचे से और होना चाहिए था गुरुद्वारा भी और मस्जिद का उधर साइन होना चाहिए। ये जो चल रहा है ना अभी, ये नाटक जो चल रहा है पूरे इंडिया में, भगवा आतंकवाद जिसे बोलते हैं, वो चरम सीमा पे है सब। वीडियो में नजर आ रही इस लड़की का नाम स्मृति नेगी है, जो वीडियो में ही आगे कहती है कि ऐसे लोग जय श्री राम बोलकर बलात्कार, हत्या और गंदे काम करते हैं। मतलब हमारे उत्तराखंड में भी ये सारी चीजें ये लोग ला रहे हैं। उत्तराखंड इन सब चीजों में था ही नहीं कभी से, पर अब वो इन सब चीजों में और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये झंडा लगाने में जितना खर्चा लगा है, किसी गरीब को खाना दे देते तो शायद उसकी दुआएं लगती। अब जय श्री राम लिखने से जय श्री राम नहीं होता है, राम जी जिस पथ पे चलते थे उस पथ पे चलिए। खाली राम नाम जपने से कुछ नहीं होता है। राम वो थे जिन्होंने अपनी माता की इच्छा के लिए अपने भाई को तख्त दिया और खुद वनवास में चले गए, एक शब्द नहीं बोला। और ये जो जय श्री राम का जितने भी लोग नाटक करते हैं, ये जय श्री राम बोल के खून करते हैं, जय श्री राम बोल के रेप करते हैं, जय श्री राम बोल के सारे गलत काम करते हैं। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि जय श्री राम आप कौन से वाले बनेंगे, ये भगवा आतंकवाद वाले या सच में राम के अनुयायी बनेंगे। वहीं जब ये वीडियो सामने आया और वायरल हुआ तो उसके बाद बवाल भी शुरू हो गया। वीडियो बनाने वाली युवती के खिलाफ हिंदूवादी विचारधारा के लोग खास से गुस्से में नजर आए और उन्होंने मल्लीताल कोतवाली में तहरीर दी थी। कोतवाली पहुंचे युवकों ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा, 15 फरवरी को स्मृति नेगी के नाम से ट्विटर पर पोस्ट किए गए इस ब्लॉग में हिंदू धर्मावलंबियों के लिए अपशब्द कहे गए। युवती के वीडियो से सभी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे लोग धार्मिक भावनाओं को भड़काकर माहौल खराब करना चाहते हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। इसमें हमारे भगवा को ही गाली नहीं बकी है, हमारे भगवा को इसने आतंकवाद बोला है और हमारे आराध्य इष्ट हमारे श्री राम जी के बारे में बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग किया है, जिसमें इसके द्वारा कहा गया है कि जय श्री राम बोल के हिंदू धर्म के अनुयायी रेप करते हैं, हत्याएं करते हैं और भी न जाने कितनी मतलब अनशन शब्दों का प्रयोग इसने हमारे धर्म के प्रति कहा गया है, जिसके खिलाफ हम यहाँ थाना कोतवाली मल्लीताल में रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। और हमने थाना अध्यक्ष महोदय से विनम्र निवेदन किया है कि इसके खिलाफ तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। अगर थाने से हमारा यहाँ से हमारे रिपोर्ट पर अमल नहीं किया जाएगा तो हम 2-4 दिन में शहर में एक धरना प्रदर्शन अवश्य करेंगे। वैसे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्मृति नेगी नाम की युवती ने वीडियो मैदान में खड़े होकर बनाया है, जिसमें वो कहती दिखी कि भगवान राम ने अपनी माता के आदेशों का पालन करते हुए तख्त भाई को सौंप दिया। इसके बाद युवती ने कहा कि जय श्री राम के नारे लगाने वाले नाटक करते हैं और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए खून, बलात्कार और सभी गलत काम करते हैं। ये जो चल रहा है ना अभी, ये नाटक जो चल रहा है पूरे इंडिया में, भगवा आतंकवाद जिसे बोलते हैं, वो चरम सीमा पे है सब। राम वो थे
जिन्होंने अपनी माता की इच्छा के लिए अपने भाई को तख्त दिया और खुद वनवास में चले गए, एक शब्द नहीं बोला। और ये जो जय श्री राम का जितने भी लोग नाटक करते हैं, ये जय श्री राम बोल के खून करते हैं, जय श्री राम बोल के रेप करते हैं, जय श्री राम बोल के सारे गलत काम करते हैं। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि जय श्री राम आप कौन से वाले बनेंगे, ये भगवा आतंकवाद वाले या सच में राम के अनुयायी बनेंगे। स्मृति ने हिंदू धर्मावलंबियों को भगवा आतंकवादी तक कह दिया। फिलहाल तहरीर दी जा चुकी है और अब कार्रवाई का इंतजार है, लेकिन ये सोचे जाने की जरूरत है कि अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही हाथों में ना हो तो विनाश ला सकता है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही उत्तराखंड से जुड़ी दूसरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया। ये जो चल रहा है ना अभी, ये नाटक जो चल रहा है पूरे इंडिया में, भगवा आतंकवाद जिसे बोलते हैं, ये जय श्री राम बोल के खून करते हैं, जय श्री राम बोल के रेप करते हैं, जय श्री राम बोल के सारे गलत काम करते हैं।